संबल में 15 दिन पूर्व युवक की गोली मारकर हत्या करने का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार मृतक दिनेश की हत्या किसी भारी ने नहीं बल्कि मृतक के तमंचे द्वारा स्वयं को गोली मारकर करने से हुई थी। संबल पुलिस अधीक्षक ने पूरी घटना का अनावरण किया है। आपको बताते हैं कि बीते 11 मई को यूपी के जनपद संबल के थाना असमोली क्षेत्र के ग्राम हीरापुर निवासी टेक्नीशियन दिनेश की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के परिजन ने 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ घर में घुसकर गोली मारकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के 15 दिन बाद पुलिस ने आज पूरी घटना का खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के अनुसार मृतक दिनेश शराब पीने का आदी था। वारदात वाले दिन भी वह शराब पीकर घर में आया और अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिसका परिजनों ने विरोध किया। इसी बीच मृतक अपने पास रखे तमंचे को ले आया और परिजनों पर तान दिया। इसी झीना झपटी में गोली मृतक दिनेश के लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी डर से मृतक के परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी। बहरहाल पुलिस ने पूरी घटना का सनसनीखेज खुलासा किया है। थाना असमौली के अंतर्गत ग्राम हीरापुर में 11/5 को ये एक मामला सामने आया था, जिसमें एक परिवार के द्वारा ये बताया गया था कि उनके घर में 4 लोग घुसे और उन्होंने घुसकर उनके एक बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो ये मामला शुरुआत से थोड़ा संदिग्ध लगा। सारे एंगल की जाँच की गई, जो भी सस्पेक्टेड थे उन सबको बुलाकर उनसे अच्छे से पूछताछ की गई, तो कहीं से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं समझ में आया जिसमें 4 लोगों के अंदर घुसने की कोई पुष्टि नहीं हो पाई। इसके बाद हम लोगों ने इनके घर वालों से कड़ाई से पूछताछ की, तो उनसे जब पूछताछ की गई तो उसमें ये तथ्य सामने आया कि मृतक दिनेश ये मुरादाबाद में नौकरी करता था। इनके छोटे भाई ने जिस दिन इसका डेथ हुई है उस दिन इसको फोन करके घर पर बुलाया, क्योंकि इनके घर में कुछ आपसी विवाद चल रहे थे। उसके बाद दिनेश के द्वारा घर पर खाना खाया गया तथा काफ़ी मात्रा में शराब का सेवन किया गया। इसके बाद इन सभी लोगों में आपस में कहासुनी हुई। उसके बाद ये लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात में दिनेश बीच रात में ये किसी को नहीं मालूम कि कितने बजे उसकी नींद खुली, जब उसकी नींद खुली तो उठकर आया और छोटे भाई की जो बहू है उसके साथ में उसने कुछ छेड़छाड़ की। इस पर उसके छोटे भाई ने हल्ला मचाया तो पूरे परिवार के लोग इकट्ठे हुए, जिसमें उसका पिता, उसकी बहन, ये छोटा भाई, सभी लोग उपस्थित थे वहाँ पर। उसके बाद में जब इन लोगों के द्वारा उसको वहाँ से हटाया गया, उसको उसके साथ थोड़ी बहुत मारपीट की गई, तब दिनेश ने अपने कमरे से एक तमंचा निकाला और उसने इन लोगों को धमकी दी कि वो इन सभी लोगों को गोली चलाकर मार देगा। उस समय उसके हाथ से तमंचा छुड़ाने के लिए इन लोगों के द्वारा छीना झपटी हुई। छीना झपटी में ही इसी बीच में तमंचे से एक्सीडेंटल फायर होने की वजह से दिनेश की मृत्यु हुई। इस प्रकार की घटना होने की वजह से इनके परिवार के लोग, इनका कहना है कि सभी लोग काफ़ी डर गए थे और उन्होंने ये 4 लोगों के अंदर घुसने की और उसके बाद गोली मारने की कहानी ईजाद की, और जिसको प्रमुखता से मीडिया में चलाया भी गया। पिछले 15 दिनों से हम लोगों की तरफ से प्रयास किया गया कि कोई भी निरपराध किसी तरह से जेल ना जा पाए, तो हम लोगों ने सभी एंगल की जांच की है। इन लोगों ने इस चीज को अब लिखकर एफिडेविट भी दिया है और आज इस घटना का खुलासा किया जा रहा है कि इस घटना में जो हथियार प्रयोग किया गया था वो भी इनके घर से बरामद किया गया है। साथ में इनकी कहानी बाकी तरफ से भी सभी जगह से वेरीफाई हो रही है, अतः इस घटना को एक्सीडेंटल फायर की तरह आगे ट्रीट किया जाएगा तथा बाकी चीजों की फॉरेंसिक जांच और इसके पश्चात हम लोग आगे की कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद।